बॉलीवुड में पिछले कुछ दिनों से एक बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वो बात है तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का वो विवाद जो 2008 में हॉन ओके प्लीज के सेट पर हुआ था। इस कंट्रोवर्सी पर फरहान अख्तर, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और ऋचा चड्ढा जैसे सेलिब्रिटीज ने कमेंट किया और धीरे धीरे इस मामले पर कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अब इस मामले पर एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस एक्ट्रेस का नाम है रेणुका शाहने। रेणुका ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मामले पर कुछ ऐसा कहा है जो आपको जरूर जानना चाहिए। रेणुका ने कहा कि नाना पाटेकर अपने गुस्सेल स्वभाव के लिए ही नहीं बल्कि अपने जबरदस्त एक्टिंग टैलेंट और किसानों के मदद के लिए भी जाने जाते हैं। बॉलीवुड में कई पुरुष और महिलाओं ने उनके गुस्से को झेला है। मैंने न ही तनुश्री दत्ता के साथ काम किया है और ना ही नाना पाटेकर के साथ, और मैं ना ही हॉर्न ओके प्लीज फिल्म का हिस्सा थी, लेकिन तनुश्री की कहानी में कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे मैं इत्तेफाक रखती हूँ और कुछ बातें आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। तनुश्री दत्ता ने एक बात बिल्कुल साफ कही थी कि वो कुछ खास डांस स्टेप करने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी और नाना पाटेकर का उसे डांस करते समय छूना भी पसंद नहीं आया था। बावजूद इसके कि नाना पाटेकर का तनुश्री को मोलेस्ट करने का इरादा न भी रहा हो, तो भी क्या नाना ने, फिल्म के डायरेक्टर ने या फिर कोरियोग्राफर ने उस स्टेप को चेंज करने की कोई कोशिश की जिससे तनुश्री कम्फर्टेबल होती? फिल्म में एक्ट्रेस को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए अगर कोई स्टेप बदल भी दिया जाता तो क्या आसमान गिर पड़ता? हो सकता है कि जिस एक स्टेप के लिए तनुश्री अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी वो बहुत से एक्ट्रेस के लिए बड़ी बात न हो। अकेली तनुश्री के खिलाफ ये चार आदमी काफी नहीं थे जो इसे और इसके परिवार को डराने के लिए राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाया गया। क्या बकवास है ये? क्या यहाँ कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा था? कहा गया कि राजनीतिक पार्टी चाह रही थी कि तनुश्री माफी मांगे क्योंकि उसने तथाकथित महाराष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाई है। क्या एक लड़की को वो डांस स्टेप करने के लिए मजबूर करना महाराष्ट्र को गौरवान्वित करता है? उस फिल्म के सेट से ये भी खबर मिली थी कि उस फिल्म के महान प्रोड्यूसर लोगों का बकाया नहीं दे रहा है, जिसके चलते वो कानूनी पचड़ों में भी फंसा है। साथ ही ये भी बातें थी कि फिल्म को अंडरवर्ल्ड से फंडिंग मिली है, मगर इन बातों में किसी ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तनुश्री और नाना पाटेकर के कंट्रोवर्सी से जुड़े आगे के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।